करते हैं। ओके, हमारा स्टार्ट, हमारा सब्जेक्ट है हिस्ट्री। आज हम फिर से ओल्ड एनसीईआरटी करेंगे जो हमने कल की थी। हमने कल इंडेक्स में चैप्टर्स के नेम ऊपर नीचे दिए हैं, लेकिन अगर आप कंटेंट में जाए तो चैप्टर का नेम वैसा है जैसा मैं कल बार बार लेक्चर में बोल रहा था। चैप्टर 2 है द कंस्ट्रक्शन ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री और चैप्टर 3 है ज्योग्राफिकल सेटिंग। और हमने पहले चैप्टर 3 को नरेट किया था कल और फिर चैप्टर 2 को किया था। चैप्टर 1 हमने नहीं किया है जिसका नाम है द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। ये हम आज करेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। और अगर आप, ये है 11th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी आर एस शर्मा की। अगर आप 6th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी को देखेंगे जो रोमिला थापर की है, उसमें जो पहला चैप्टर है उसमें ये है कि हमें व्हाई डू वी स्टडी एंशियंट हिस्ट्री, हम क्यों पढ़ते हैं। तो दोनों को ही क्लब करके एक चलेगा लेक्चर आज। तो इनिशियली आप इसको सुनिए, ये उतना बड़ा नहीं। फिर इसके बाद हमारा लेक्चर होगा द स्टोन एज, और वो दोनों से ही होगा। ये जो आप पढ़ रहे हैं आर एस शर्मा 11th क्लास और जो 6th क्लास की रोमिला थापर की बुक है, दोनों से होगा। और स्टोन एज में मैं सारी स्टोन एजेस कवर कर दूंगा, कहने का मतलब ओल्ड स्टोन एजेस भी कवर कर दूंगा, उसमें लेट स्टोन एज भी कवर हो जाएगी मीसोलिथिक एज, और न्यू स्टोन एज यानी कि नियोलिथिक, फिर उसमें स्टोन एंड मेटल चालकोलिथिक और कॉपर एज, ये सारी एजेस कवर करके मैं स्टॉप कर दूंगा और कल बिगिनिंग हो जाएगी द इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो हम सारी एजेस निकाल देंगे आज, ठीक है। और आज कुछ बेसिक कंसेप्ट फैक्ट्स आपको बता दूंगा, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं कि हम एंशियंट इंडियन हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं। भाई देखिए, इम्पोर्टेंस हिस्ट्री की ये रहती है कि आपको आपके पास्ट के साथ कनेक्ट करते हैं। ये बिल्कुल ऐसा होता है कि जिस पॉइंट पर आज आप खड़े हैं, सपोज कीजिए मैं आज जहां पर खड़ा हूं, वो अब तक का एक लाइन का एंड पॉइंट है, लेकिन मैं एक लाइन के एंड पॉइंट पे खड़ा हूं, मैं एक इंडिविजुअल पोजीशन नहीं रखता। तो मेरी पोजीशनिंग को बेटर वे में इवेल्युएट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं इस लाइन को अंडरस्टैंड करूं, अदरवाइज मुझे अपनी प्रेजेंट पोजीशन ही क्लियर नहीं होगी। हिस्ट्री हमेशा इस तरह से ट्रेस होती है। आपने कभी भी सोच सुना होगा, तो हम हिस्ट्री को ट्रेस करते हैं, यानी कि हम ट्रेस किस चीज को करते हैं, जहां पे हमारे मार्क्स होते हैं, हम जहां से चल के आए, जहां से शेर गया, जहां से हिरन गया, हम उनके पग मार्क्स ट्रेस करते हैं ना। तो हिस्ट्री में हम जिस वे में आगे आए हैं, हम पीछे की तरफ ट्रेस करते हैं, और हम उस पॉइंट पे खड़े होते हैं जिसको हम प्रेजेंट कहते हैं। आपकी कंट्रीज में जुड़ी बहुत सी सारी कहानियां रहती हैं जो आप प्रेजेंट में सुन रहे होते हैं। कुछ पॉलिटिकल सिनेरियोस डिस्कस किए जाते हैं, कुछ सोशल डिस्क्रिपेंसीज हैं जिनकी रोज डिस्कशंस होती हैं, कुछ कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं जो आपकी लाइफ को लाइवली बनाते हैं, कुछ इकोनॉमिक फेनोमेनाज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन सभी चीजों को समझने के लिए जो प्रेजेंट में आपको एवरी डे इम्पैक्ट कर रही हैं और ये एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके ऊपर काम कर रहे हैं आपकी लाइफ को शेप करने के लिए, इसके लिए आपको पास्ट की तरफ जाना पड़ता है। अदरवाइज आप अपने प्रेजेंट को बेटर वे में यूटिलाइज नहीं कर सकते, और जिसका प्रेजेंट स्ट्रेंथेंड नहीं है वो फ्यूचर को क्रिएट नहीं कर सकता। तो आप अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम है जिसको अपनी इतिहास का पता नहीं। तो अक्सर आप बड़े लोगों के मुंह से भी सुनते होंगे कि ये बहुत कमजोर है, इसे अपनी जड़ें नहीं पता, इसे अपना इतिहास नहीं पता। ये जानना बहुत जरूरी होता है। तो किस तरह से, किन किन चीजों को हमें जानना जरूरी है और हम क्यों जानना चाहते हैं इन चीजों को। देखिए, अगर आप हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, तो एंशियंट हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, उसमें पता लगता है कि उस समय के लोग कब, कहाँ और कैसे रहे होंगे, उनका कल्चर कैसे डेवलप हुआ, उन्होंने किस तरह से अपने सराउंडिंग एटमोसफेयर को अपने लिए यूटिलाइज किया, उन्होंने किस तरह से इतनी डिफिकल्ट सिचुएशंस में एग्रीकल्चर परफॉर्म किया और एक सेटल्ड लाइफ को प्रमोट किया, और उस सेटल्ड लाइफ को आगे कैसे एनरिच किया, किस तरह से लाइफ में कंफर्ट आया, उस कंफर्ट की वजह से उनके पास लेजर एक्टिविटीज आई, और उन लेजर एक्टिविटीज में से आपका कल्चर जन्म लेता है। जो आज आर्ट एंड कल्चर आप देखते हैं, ये उसी लेजरफुल एक्टिविटी से आता है। फिर उसी में कुछ लोग काफी ज्यादा इंक्विजिटिव निकले, उन्होंने अपने सराउंडिंग में हो रहे डिफरेंट डिफरेंट फिनोमेनास को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, जिसकी वजह से आपके सामने बहुत सारे यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स आज क्लियर होकर के आए हैं। शुरू से ही एंशियंट हिस्ट्री अगर आप देखें वर्ल्ड लेवल पर, मैं सिर्फ इंडिया के लेवल की बात नहीं करता, हमेशा से एंशियंट पीपल जो हैं वो बहुत ही क्वेश्चनेबल रहे हैं
इन चीजों को लेकर के कि आपके कॉस्मिक एरियाज में क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर में क्या चल रहा है, वाटर का बिहेवियर क्या रहता है, सॉइल कैसा बिहेव करती है, ट्रीज और माउंटेन्स कैसा बिहेव करते हैं, स्काई है, सन है, स्टार है, ये कैसा बिहेव करते हैं. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. तो वे इसको ऑब्जर्व करते रहे हैं और जिसकी वजह से आज आपकी सारी थ्योरीज आपके सामने खड़ी हैं. ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है आपकी जब आप अपने आप को प्रेजेंट में देखते हैं. आप चीजों को आइंस्टाइन से, न्यूटन से, भास्कराचार्य से, या फिर अलग अलग लोगों से, ब्रह्मगुप्त से जोड़ते हैं और फिर ये कहते हैं कि ये इसने दिया है, ये उसने दिया है, ये इसने दिया है. देखिए, जो हमारी कल्चर कल्चर लाइफ है, जो सिविलाइजेशन है, ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट है, ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है. और आज आपके पास जो ग्रेविटेशन के लॉज हैं, वो किसी एक पर्सन के दिए हुए नहीं है. उस पर्सन ने अगर अपने प्रेजेंट के टाइम पे अपने पास्ट को बेटर वे में नहीं अंडरस्टैंड किया होता, तो आपको कभी ग्रेविटेशन के लॉज नहीं दे पाता. तो उसने भी अपनी जड़ों को पीछे ट्रेस किया, तो उसमें और उस टाइम के बाकी लोगों में फर्क ये रह गया कि वो हिस्ट्री को लेके अवेयर था, उसने अपने रूट्स और जड़ों को बेटर स्टैंड अंडरस्टैंड किया, जिसकी वजह से उन वो पुरानी डिस्कवरीज को और पुरानी इन्वेंशंस को अच्छे से पढ़ पाया और अल्टीमेटली वो इस कंक्लूजन तक पहुंच पाया कि कोई एक बल है, कोई फोर्स है, कोई ग्रेविटेशन जैसी चीज है, और अल्टीमेटली आज आप उसको स्टडी करते हैं. तो आज अगर आप अलग होना चाहते हैं, यूनिक होना चाहते हैं और एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी के तौर पर उभरना चाहते हैं जो कि रेलिवेंट है हर वे में लोगों के लिए, इम्पॉर्टेंट वही होता है, उसको अपने हिस्टोरिकल ट्रेसेस निकालने होंगे, अदरवाइज ये नहीं हो सकता. तो समय समय पर जिस भी किसी एज में आप खड़े हैं, उससे पीछे की तरफ जो गया है और बेटर वे में फेनोमेनास को अंडरस्टैंड करके आया है, उसने फ्यूचर को कुछ ना कुछ दिया है. जैसे कभी न्यूटन ने दिया, कभी आइंस्टाइन ने दिया, कभी कैपलर ने दिया, कॉपरनिकस ने दिया, इन सभी ने कुछ ना कुछ दुनिया को दिया है. और भारत की बात करें तो चाहे वो आर्यभट्ट थे, चाहे वराह मिहिर थे, ब्रह्मगुप्त थे, भास्कराचार्य थे, कोई भी थे, इन्होंने अपने इतिहास को अच्छे से टटोला है, इसलिए भविष्य को बहुत कुछ दे पाए हैं. फ्यूचर को आप तभी कुछ दे सकते हैं, अदरवाइज आप अपने फ्यूचर को कुछ नहीं दे सकते जब तक आपको अपने हिस्टोरिकल ट्रेसेस नहीं पता. तो मुद्दे की बात अब यह है कि किस तरह से काम होता है और क्या है हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट रोल. देखिए, इंपॉर्टेंट होता है इस चीज को ऑब्जर्व करना. एक मिनट, स्टॉप करना, रीस्टार्ट. तो अब चीजों को ऑब्जर्व करते हैं किस तरह से काम हुआ. देखिए, इंपॉर्टेंट हो जाती है ये चीज स्टडी करना कि किस वे में उस समय उन्होंने अपने लिए ग्राउंड फैसिलिटेट की होंगी सर्वाइवल के लिए. और आज भी आप क्या कर रहे हैं, सर्वाइवल. एवरी टाइम आप सर्वाइवल के लिए ही फाइट कर रहे हैं और आपकी इससे ज्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती. आपकी स्टडीज हैं, आपकी अर्निंग्स हैं, आपके ऑक्यूपेशंस हैं, मेन एस्पेक्ट सर्वाइवल है. जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, वो कितने भी बेटर फैसिलिटीज दें, वहां पर हर पर्सन किस चीज के लिए फाइट कर रहा है, सर्वाइवल. एवरीवेयर आप सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल ढूंढते हैं. तो आप जब पास्ट सर्वाइवल्स को ऑब्जर्व करते हैं, आपको बहुत सारे आइडियाज क्लियर होते हैं. कितना रोल होता है टूल्स का, इम्पॉर्टेंट है. इसलिए अगर आप देखेंगे तो आपको हिंदू माइथोलॉजी में जितने भी देवी देवता दिखेंगे, ऑलमोस्ट हर किसी ने कोई ना कोई वेपन या कोई ना कोई टूल पकड़ा होगा. और ये टूल्स और वेपन्स इस बात की इंपॉर्टेंस को बताते हैं कि इसी ने लाइफ को और अदर सेटलमेंट्स को पॉसिबल बनाया. तब से लेकर के आज दिन तक आप सभी धर्मों को, सभी ग्रंथों को देखें, उसमें खास विवरण रहता है टूल्स का और वेपन्स का. ये इंपॉर्टेंट है. तो ह्यूमन लाइफ के साथ ये कनेक्टेड है. और आज की डेट में भी जिसके पास ये टूल नहीं है, ये वेपन नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, एंड दैट इज कलम, तो ये आज का टूल है, ये आज का वेपन है. और आज पूरा वर्ल्ड इसी दिशा में काम कर रहा है. इसके बाद ही आप कोई भी चीज पकड़ते हैं. डॉक्टर इसके बाद ही सर्जिकल इक्विपमेंट्स पकड़ता है. इंजीनियर इसके बाद ही हैमर पकड़ता है. कोई भी आर्टिस्ट इसके बाद ही पेन पकड़ता है, वायलिन पकड़ता है, एनीथिंग. तो अल्टीमेटली इसके बाद आपके हाथ में वो टूल्स और इक्विपमेंट्स आते हैं जिनके थ्रू आज आप आज की लाइफ को कार्व आउट करते हैं, जैसे उन्होंने वो लाइफ कार्व आउट की. आज भी जो सबसे बेटर और प्रिसाइज्ड टूल्स बनाता है, वेपन्स बनाता है, वो दुनिया में मशहूर है. वो गाड़ियों की कंपनियां, वो हैंड टूल्स की कंपनियां, वो बाइक्स और एवरीथिंग, वो एरोप्लेन, वो एयरक्राफ्ट, वो यही चीजों से, क्योंकि प्रिसीजन है उनके पास और वो उस लेवल पर काम करते हैं. यही प्रिसीजन टेक्निक्स पास्ट में भी थी. स्टोन एजेस जब ह्यूमन ने शुरुआत की, डिफरेंट डिफरेंट स्टोन से बड़े हुए टूल्स को उसने यूज किया. एज बढ़ी, उसके हाथों के आकार में परिवर्तन आया, चेंजेस आ रहे थे डे बाय डे. उसकी फिस्ट का साइज बढ़ रहा था, उसकी उंगलियां खुल रही थी, और इस तरह की बॉडी चेंजेस की वजह से अब वो बेटर वे में हाथ में पकड़ सकता था टूल्स को. फिर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा था, इसकी वजह से उसकी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स बदल रही थी. ये बायोलॉजिकल जो बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं और जो सराउंडिंग में चेंजेस आ रहे हैं, ये
ये दोनों एक दूसरे के साथ ऑलवेज रिस्पॉन्सिव होते हैं, कंपेटेबल होते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप अपनी आसपास की सिविलाइजेशन को नर्चर करते हैं, अपनी सर्वाइवल को सस्टेन कराते हैं। यही पास्ट में भी हुआ है और ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अगर आप जब आपने पढ़ी है या जब आपने सुनी है, तो वो आज का विषय नहीं है। इनसे हमें समझ क्या आता है डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर। शुरुआत की अगर हम बात करें तो ह्यूमन के सामने एक ही एस्पेक्ट खड़ा था कि उसे किसी ना किसी वे में अपने लिए फूड गैदर करना है और समय थोड़ा सा बढ़ने पर उसे हंटिंग करनी है। तो गैदरिंग एंड हंटिंग दो रिक्वायरमेंट हैं और इन दोनों रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है वो है उस समय सबसे इंपॉर्टेंटली वेपन्स, और वो वेपन्स उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मटीरियल है टूल्स, सॉरी स्टोन्स, क्योंकि रेडली अवेलेबल रॉ मटेरियल स्टोन्स ही है और उसको इससे ज्यादा चीजों का यूजेज करना नहीं आता। तो आप देख सकते हैं मिनिमम रिसोर्सेज के अंदर मैक्सिमम सर्वाइवल किया गया है, और सिर्फ स्टोन अवेलेबल है और आपने स्टोन को ही टूल बना लिया, स्टोन को ही वेपन बना लिया और इसी के थ्रू आप सर्वाइवल कर रहे हैं। ये अलग अलग लेवल पर स्टोन टूल्स है जो अभी नेक्स्ट लेक्चर में आप पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के आज की डेट में भी आप अगर आप देखें तो क्या हो रहा है, डिफरेंट लेवल पर कंट्रीज की ग्रोथ है। वर्ल्ड लेवल पर कोई कंट्री ग्रोथ करती है, कोई कंट्री उस लेवल पर नहीं करती। उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप जापान का उदाहरण लें तो जो जापान के पास मिनिमम रिसोर्स अवेलेबल था वो क्या था, ह्यूमन। तो जापान ने उसका यूज लिया, आज वो वर्ल्ड में बेस्ट है, क्योंकि शायद जापान ने अपने हिस्टोरिकल ट्रेसेस को बेटर अंडरस्टैंड किया कि हम अपने मिनिमलिस्टिक अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ मैक्सिमम ग्रोथ कैसे कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप देखें तो अफ्रीका बहुत बड़े पैमाने पर रिसोर्सेज हैं, बट शायद उस तरह की अप्रोच का या उस तरह के माइंडसेट का या टेक्नोलॉजीज का कमी है जिसकी वजह से वो उस लेवल पर डेवलप नहीं हो पाए। तो मुद्दे की बात यह है कि आपके पास अवेलेबल क्या है, उसके साथ आप मैक्सिमम क्या परफॉर्म कर सकते हैं, ये हमें हमारे पास्ट से पता लगता है और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर स्टोन एजेस के अर्ली मैंस ने परफॉर्म करके दिखाया है। उन्हीं स्टोन टूल्स को अपनी बढ़ती जरूरतें, एटमॉस्फेयर में आते हुए बदलाव, उस बदलाव को बेटर वे में कंट्रोल करना और उस कंट्रोल की वजह से बेटर यूटिलाइजेशन से जो कंफर्ट आता है उस कंफर्ट से अपनी लाइफ को और एनरिच करना, नई नई चीजें ऐड करके, ये चीजें हमें वहां से सीखने को मिलती हैं। और मैक्सिमम टाइम वो डिवोट किया करता था इन चीजों को। हम पैलोलिथिक पीरियड से अगर शुरुआत करते हैं तो अपर पैलोलिथिक एज में आते आते जो लेटेस्ट पैलोलिथिक एज थी, पैलियो मने ओल्ड, लिथिक मने द स्टोन, इस सबसे लेटेस्ट पैलोलिथिक एज में आते आते अगर हम देखें तो भीम बेटका की चित्रकारियां आपको नजर आती हैं, और ये भीम बेटका की चित्रकारियां बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन के पास टाइम है और उस टाइम को वो कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर रहा है, चित्र बना रहा है, प्लानिंग कर रहा है, रिचुअल्स भी परफॉर्म कर रहा है, वहां पर टूने टोटके भी बने नजर आते हैं, ऐसा लगता है कि कोई किसी ना किसी सुपरस्टिशन में बिलीव करता है, नेचर को एडमायर कर रहा है, इन फोर्सेस को वो देख रहा है। ह्यूमन की एक प्रॉब्लम हुआ करती थी कि जब भी वो किसी नई चीज से एनकाउंटर होता था वो दो चीजें एक साथ उसके अंदर पैदा होती थी, एक तो भय यानी कि डर का भाव, और जहां जहां डर है वहां से श्रद्धा आ जाती है, तो श्रद्धा का भाव, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट थी। तो वेदर उसे बहुत हाई लेवल पर डराता था, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसे बिजली कड़कने का और बादल बिजली चमकने का बादल कड़कने का पता नहीं था। ऐसे में ही बहुत ही फेरोशियस एनिमल्स जो ची चिहार रहे हैं, पैंथर हैं, टाइगर हैं, लायन है, रायनोसेरस है, एलिफेंट है, आप उनसे कंपीट नहीं कर सकते, आप उनसे फाइट नहीं कर सकते, आप उनसे भी डर रहे हैं, उनसे भी घबरा रहे हैं। इस परिवर्तन ने बहुत स्ट्रांगली लाइफ को चेंज किया उस टाइम पर ह्यूमन की, और एक चीज जो नेचर है, जो वेदर है, उसका डर निकाला उसने, उसको रिस्पेक्ट प्रोवाइड करके, और उसे उसने किसी ना किसी वे में एक सुपर नेचुरल पावर के तौर पर डील किया कि इस पर कंट्रोल नहीं हो सकता, इसको सरेंडर करो तो बेटर है। रेनफॉल होगा उस टाइम पर, केव में चले जाएं तो ज्यादा बेटर है, बिजली चमकेगी और गड़केगी उस टाइम पर, हम सेफ प्लेसेस में बैठे तो ज्यादा बेटर है, ये है रिस्पेक्ट जिसको देख करके ये चला जाता है। बारिश बंद हो जाती है, बिजली चली जाती है, सब शांत हो जाता है। एनिमल्स हैं तो इनको फेस करना होगा, इनसे खुद को प्रोटेक्ट करना होगा, और मौका पड़ने पर अगर ये अटैक करते हैं तो इनको ऑफेंसिव वे में भी डील करना होगा। तो वेपन शार्प हो गए, वेपन स्ट्रांग हो गए, और ग्रुप्स में इन पर अटैक किया जाता था। ये ग्रुप सिस्टम, ग्रुप कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इस वे में आप देखेंगे पुरानी चित्रकारियों में कभी भी जिस बड़े जानवर का शिकार किया तो तीन चार लोग आसपास खड़े होंगे, एक ने मारा होगा, तीन चार देख रहे होंगे। तो ये टेंडेंसीज उन्होंने डेवलप की, उनको पता लगा कि इस तरह के एटमॉस्फेयर में जहां पर इतने डेट्रीमेंटल कंडीशंस है फॉरेस्ट की, एनिमल की, नेचर की, यू कैन नॉट सर्वाइव होल सोल इंडिविजुअली, तो आपको क्या करना है ग्रुप्स में। तो आपको बहुत सी चित्रकारियां मिलेंगी और उसमें भीम बेटका में उसमें 10-12 लोग हाथ से हाथ पकड़ के खड़े हैं और दो लोग अलग खड़े हैं थोड़ी दूर,
तो ग्रुप्स बनाए गए और ग्रुप्स में वांडरिंग होती थी, ग्रुप्स में घूमा जाता था, ग्रुप में गैदरिंग, ग्रुप में हंटिंग होती थी ताकि स्ट्रेंथ बनी रहे, और इसी ने ग्रुप कल्चर को जन्म दिया। तो सबसे पहला प्रमाण सभ्यता का आपको मिलता है ग्रुपिज्म से, और वो ग्रुपिज्म आया आपको एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस से, वो घने जंगल और वो कड़कती हुई और धड़कते हुए बादल, इन्होंने आपको बताया कि आपको साथ रहना है। अल्टीमेटली इसी में वो जो दो लोग अलग खड़े दिखाए जाते हैं, ग्रुप की ड्यूटीज हैं, उन ड्यूटीज को प्रॉपर असाइन किया जाएगा, उन ड्यूटीज को आप बेटर वे में अंडरस्टैंड करें, उनको प्ले करें। जो उन ड्यूटीज को प्ले नहीं करेगा वो ग्रुप से बाहर होता था, तो दो लोग दूर दिखाए गए, उन्हें ग्रुप से बाहर किया गया है, वो ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो इससे पता लगता है आज भी आप कौन ग्रो कर रहा है, कौन सी कंट्री ग्रो कर रही है, कौन सी फैमिली ग्रो कर रही है, कौन सी कंपनी ग्रो कर रही है, आप मुझे बता दीजिए, जिसमें ग्रुप कंसेप्ट है, जो ग्रुपिज्म में काम कर रहा है, ड्यूटीज वेल डिवाइडेड हैं, हर किसी की ड्यूटी को वेल रिस्पेक्टेड मैनर में परफॉर्म किया जा रहा है, और रूल्स हैं, जो भी नहीं रह सकता ग्रुप में उसको ग्रुप से बाहर किया जाएगा। आज आप में क्या होता है, जो भी समाज के नियम नहीं मान सकता है उसे समाज से अलग करके जेल में डाला जाता है और पनिशमेंट्स दिए जाते हैं, उसे सोसाइटी से अलग किया जाता है, आप भी ऐसा ही करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये सारे सिस्टम हमें पास्ट से ही इनहेरिट होते हैं, और हमने देखा कि ग्रुप लाइफ क्या होती है। तो सिविलाइजेशन का, सोसाइटी का, ह्यूमैनिटी का सबसे पहला सिंबल ग्रुपिज्म है, और ग्रुपिज्म से ही ये तत्व आता है कि हम सब झुंड में रहना चाहते हैं, और झुंड से विकास होगा सभ्यता का, ट्रेडिशन का, संस्कृति का, और संस्कृति से ही शब्द आएगा उस भाषा का जो बड़े पैमाने पर भाषा के नाम पर ही बोली जा रही है, संस्कृत। तो वेद व्यास पहली बार भाषा को संस्कृत कह के बुलाएंगे, क्योंकि ये संस्कृति का प्रमाण है, तो संस्कृत है। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि भाषा, संस्कृत का पहला नाम है भाषा, तो भाषा को क्या कहा, किसने संस्कृत कह के पुकारा है, तो दैट इज ऑफ व्यास, व्यासा ने, सॉरी दैट इज ऑफ वाल्मीकि, तो वाल्मीकि ने पहली बार भाषा को संस्कृत कह करके पुकारा, ये बात हमेशा याद रखना। ओके, सेकेंड हमें क्या समझ में आता है इन चीजों से, देखिए आज की डेट में आप जो भी लैंग्वेजेस बोलते हैं, आप सारी लैंग्वेजेस को पास्ट में ट्रेस कर सकते हैं, सभी की सभी लैंग्वेजेस वहां से डेवलप हुई हैं। हाँ, ये बात सही है कि अपने एक्चुअल फॉर्म में आज ये यहाँ पर नहीं बोली जाती जो पास्ट में बोली जाती थी, लेकिन ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, और ये एवोल्यूशन आपको पास्ट में ही नजर आता है, ये इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में आप जो भी स्क्रिप्ट यूटिलाइज करते हैं, ये स्क्रिप्ट आपको पास्ट से ही मिली है, सारी की सारी स्क्रिप्ट आप कंट्री लेवल पर देखें तो आपको पास्ट से ही मिलती है, आप उन्हें ट्रेस कर सकते हैं प्रेजेंट से पास्ट की तरफ, और आप बहुत इजीली आज की जो आपकी देवनागरी स्क्रिप्ट है इसी से डिकोड कर सकते हैं ब्रह्मी स्क्रिप्ट को, और ये इंपॉर्टेंट है। आज की संस्कृत जो लैंग्वेज है, जिसकी भी देवनागरी स्क्रिप्ट है, इसे आप डिकोड कर सकते हैं ब्रह्मी स्क्रिप्ट में जाकर के, तो ये इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। तो स्क्रिप्ट देना और लैंग्वेज देना, ये दो चीजें होती हैं किसी भी सिविलाइजेशन को डेवलप करने की। तो आज आपकी लैंग्वेज और आज आपकी स्क्रिप्ट आपको पास्ट से मिली है, आने वाले समय में जितनी तेजी से भाषा में और स्क्रिप्ट में परिवर्तन आ रहा है, जिस तरह से लैंग्वेज को डिस्टॉर्ट किया जा रहा है वेस्टर्न और अदर आइडियोलॉजीज के थ्रू, आज आपको अपनी लैंग्वेजेस यूज करनी नहीं आती, आज आपको अपनी स्क्रिप्ट्स यूज करनी नहीं आती, आज आपके लैंग्वेज वर्ड्स को डिफॉर्म किया जा रहा है बहुत स्ट्रेटेजिकली, एंड ये कल्चरल वॉर है एक तरह की, जिसके तहत आपके कल्चर्स को अटैक किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में आप चीजें भूल जाओ, और आपको याद करने पर भी याद ना आए कि कैसे चीजें परफॉर्म की जाती थी, और ये डेलिबरेट एक्शन है। अगर आप देखें ध्यान से तो अमेरिका और ब्रिटेन में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड ब्रिटिश इंग्लिश बोलता है, तो अमेरिका से कंसेप्ट जन्म लेता है, वो इंग्लिश के डिफॉर्म्ड वर्ड्स को अदर कंट्रीज में प्रमोट करता है ताकि वो ब्रिटिश इंग्लिश का जो इन्फ्लुएंस है वो ब्रेक हो जाए। इसलिए अब अगर आप देखेंगे तो वर्ड आपको कैसे मिलते हैं, ऑल राइट, ALRYT, दिस इज नॉट करेक्ट वर्ड, बोलने में नहीं आता, राइट, देर इज या, राइट या, तो वेर इज या, दैट इज ऑफ GHT, तो वो आपने उड़ा दिया। और इसी तरह से अगर आप देखें तो गुड नाइट या NYT, तो मुद्दे की बात यह है, दिस इज नॉट कूल एंड दिस इज नॉट अप टू द मार्क, दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ कल्चरल वारफेयर जो इस समय में रन हो रही है, और जब आप इस लेवल पर पहुंच जाएंगे अल्टीमेटली यू कैन सी योर परफॉर्मेंसेज इन एग्जाम। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आज आंसर शीट पे भी इस तरह के वर्ड्स गलती से यूज कराते हैं, दैट इज प्रॉब्लम, आप यू भूल गए हैं लिखना और यू यूज कराते हैं और पता भी नहीं लगता हमने ऐसा किया था, आज लिटरली आर की जगह हम आर लिख के आ रहे हैं और हमें पता भी नहीं लगता ये क्या। विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये अभी बिगिनिंग है, आफ्टर द 10 ईयर आप टोटली फॉरगेट कर जाएंगे कि एक्चुअल इंग्लिश वर्ड्स क्या हुआ करते थे और किस तरह से एड्रेस करना है। दिस इज नॉट एवोल्यूशनरी प्रोसेस, एवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑलवेज चीजों को एनहांस और रेक्टिफाई करता है, ये एक तरह का डिसेलरेटिंग प्रोसेस है जो आपको पीछे की तरह डिजेनरेटिव एरिया में लेकर के जा रहा है। तो जब आप अपनी लैंग्वेजेस और जो लैंग्वेजेस को सहेज के रखने वाले लोग हैं उनसे बात करेंगे तो उनके अंदर यही एक इंटरेस्ट फैक्टर रहता है कि लैंग्वेजेस को प्रिजर्व कैसे किया जाए,
इन्हें प्रमोट कैसे किया जाए, क्योंकि जैसे ही लैंग्वेज की डाइवर्सिटी खत्म होगी, बिल्कुल इकोसिस्टम वाला इम्पैक्ट होगा कि आप मिनिमम लोगों के साथ फिर कम्युनिकेट कर पाएंगे और लोकल लैंग्वेजेस खत्म हो जाएंगी, एक यूनिफाइड सा सिस्टम आ जाएगा, और फिर इस वे में अगर उस लैंग्वेज को कोई थ्रेट आएगा तो फिर पूरी की पूरी सिविलाइजेशन पे थ्रेट आ जाएगा, क्योंकि जितनी ज्यादा लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती रहें लोकल, उतना ही ज्यादा थ्रेट के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि एक लैंग्वेज में कोई त्रुटि आ भी गई तो क्या हुआ, कम्युनिकेशन के अदर मीडियम्स अवेलेबल है। जब लेकिन आप एक लैंग्वेज को यूनिवर्सल लैंग्वेज के तौर पर प्रमोट कर देंगे और फिर बाद में उसे कंटेमिनेट कर देंगे, तो आप सिविलाइजेशन को लैंग्वेज के मीडियम से ही डिवाइड कर देंगे। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है जो चल रही है। तो आप अपने पास्ट की तरफ जाते हैं, आपको पता लगता है कि पास्ट में डिफरेंट डिफरेंट वे में लैंग्वेजेस यूटिलाइज की जाती थी, और उस टाइम पर एक बात का खास ख्याल रखा जाता था कि आम लोगों को जोड़ने के लिए लिंगवा फ्रैंका ऑलवेज इंपॉर्टेंट रहता है, जो लैंग्वेज मासेस का होता है। यह आपको नजर आता है अशोक के समय में और बुद्ध और जैन के समय में डेलिबरेटली प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उस समय प्राकृत लिंगवा फ्रैंका थी और वो उस समय आम जनमानस की भाषा थी। तो संस्कृति में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है प्राकृत भाषा। आपने लोकल लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दी है, माने आम जनमानस की भाषा को इंपॉर्टेंस दी है, तो इससे क्या पता लगता है, आप अपने पास्ट में जाएंगे तो आपको एक चीज क्लियर होगी कि एवरी टाइम ऑल द वे हमेशा एम्फेसाइज ये किया गया है कि ये जो लोग इस पर्टिकुलर लैंड को इनहेबिटेड कर रहे हैं, दे ऑल आर यूनिफाइड पीपल, ये भारतवर्ष है। हमेशा से भारत को भारतवर्ष शब्द से डिनोट किया गया है, माने द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। भारतवर्ष, वर्ष माने द रीजन होता है, भारत माने द लैंड इनहेबिटेड बाय द ट्राइब, दैट इज भारत। एक ट्राइब है जिसने लैंड इनहेबिटेड किया। तो भारतवर्ष का मतलब क्या है, द लैंग्वेज ऑफ मासेस, दैट इज द लिंग्वा फ्रेंका, दैट इज प्राकृत। तो प्राकृत भाषा का यूजेज इस बात को बताता है कि पास्ट में भी, एंशियंट पीरियड में भी लोग एकत्व का भाव रखते थे, यूनिटी का भाव रखते थे भारत में, चाहे कितनी भी डाइवर्सिटी थी, बट यूनिटी अंडरलाइन थी, और ये इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। तो प्राकृत पहले यूज की गई, पाली भाषा का इस्तेमाल बहुत पहले हुआ है बुद्ध में, और पाली भाषा उस समय बोली जाती थी बिहार में।